पांचवें चरण के रण पर दिग्गजों का क्या कुछ कहना है, ये आपको सुनवाते हैं, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी का कमल उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में जबरदस्त लड़ाई तो कर ही रहा है, जीत ही रहा है, लेकिन सिराथू में हमारे सामने कोई लड़ाई में नहीं है। जनता का आशीर्वाद कमल के फूल के साथ है। और मैं इतने ही आज सभी से अनुरोध करूंगा, प्रयागराज के सभी वासियों से, कि आप जल्द से जल्द निकलें और वोट डालें और लोकतंत्र को और मजबूत करें, यही हम सबका कर्तव्य है। देखिए, चुनाव तो क्लियर है, भाजपा अपनी सरकार बनाएगी, उसके नेतृत्व में सरकार बनेगी। ये पांचवा दौर है और इस दौर में जिस तरह का उत्साह हम लोगों को अपने रोड शोज में, सभाओं में देखने को मिला है, वो जनता की जो नब्ज़ है उसका द्योतक है। तो कोई शक नहीं है कि हम सरकार बनाएंगे। राष्ट्रीय मामला आता है तो लोकल मुद्दे समाप्त हो जाते हैं, शून्यता पर और राष्ट्रीय मुद्दों पर, और डबल इंजन की सरकार से लोग प्रभावित हैं, इसलिए सरकार बनाएगी। देखिए, लोकतंत्र है, सभी पार्टियां मैदान में हैं, सभी प्रत्याशी मैदान में हैं। अखिलेश यादव ने आपको इस बार को हराना कोई बड़ी चुनौती होगी? किसको? किसी अपने ही व्यक्ति को जो आपका अपना कसम खास था। देखिए, निर्वाचन जनता करती है, चुनती जनता है, ठीक है। हर बार रिकॉर्ड तोड़ना ये कुंडा की परंपरा है, वो परंपरा का निर्वहन कुंडा की जनता फिर करने जा रही है। की जनता ने लगभग 42 वर्षों से पहले मेरे पिता को 9 बार आशीर्वाद दिया, 2 बार मुझे दिया है, तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि रामपुर खास की जनता का आशीर्वाद और प्यार मेरे साथ बना।